हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड रात 9 बजे होगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मसरूफियात के बायस मुलाकात का वक्त तब्दील किया गया। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान एक ही रोज इलेक्शन कराने से मुतालिक इत्तेफाक राय के लिए मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत लिख दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का पाबंद है। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। अदलिया को इस्लाहात कानून पर तहफुजात हैं। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात के खिलाफ केस की समाप्त के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। हुक्म इम्तना वापस लेने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। ये जो बिल था अभी एक्ट बना ही नहीं था, इसको सस्पेंड कर दिया गया कि जो कि एक नानोहनी चीज थी। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर क्या कहता है, अगर किसी ने चैलेंज करना भी है, एक्ट चैलेंज होते रहे हैं, पास्ट में भी चैलेंज हुए हैं, मगर उसका एक तरीकाकार होता है। पहले आप क्या कहते हैं आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएँ और उसके अंदर क्या कहते हैं फिर हाई कोर्ट से जाएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। अब डायरेक्टली देखेंगे इस बिल के अंदर, अगर फर्ज किए इन्होंने ये रूल कर दिया कि ये जो बिल एक्ट है या ये क्या कहते हैं आईन के खिलाफ है, ये हमारी पावर्स के खिलाफ है, इसके खिलाफ फिर कोई अपील नहीं है। आईन में पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है, फारूक शनाइक ने वाजे कर दिया। पीपल्स पार्टी के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा पहली मरतबा हुआ जो कानून अभी बना नहीं उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। चैलेंज करने वाले बताएं ये बिल कैसे आवामी मफाद के खिलाफ है। बिल को पहले हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील और कार्रवाई रोकने से मुतालिक समात। इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट पेशी। अदालत का इमरान खान को जुमे को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की हिदायत। पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सरबरा पीटीआई को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। सिराजुल हक की जानिब सियासत उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्जाम। रहनुमा पीटीआई ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अमीर जमात इस्लामी से इल्जाम पर फौरी मुआफी मांगने का मुतालिबा। असद उमर का कहना है बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर सिराजुल हक को नोटिस भिजवाया गया। सिराजुल हक कौम को यह भी बताएं कि उन्हें यह गलत मालूमात किसने फराहम की। मुल्क भर में 7वीं मर्दमशुमारी के आदाद व शुमार जारी। कराची की आबादी 1,80,00,000 और सूबा सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज कर गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक 1 मई तक सूबा सिंध में मजमू शरा 15.15% और डिवीजन में कराची में 12.11%, हैदराबाद 13.4% रहा। रावी किनारे नए शहर की तैयारी। डूडा ने फेज वन के लिए लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली। 41 किलोमीटर जमीन की मरहलावार खरीदारी जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान कहते हैं डूडा फ्रंट मंसूबा आलमी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 4 अफराद जांबाग, 2 जख्मी, कई मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और को नुकसान। बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में दीवार गिरने से 2 अफराद जांबाग, खुजदार में 2 जबकि लसबेला और केश में 1-1 फर्द जान की बाजी हार गया।